नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही साथ नालंदा खंडहर भी उन्होंने बहुत ही करीब से देखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से राज्यपाल के साथ लोग मौजूद हैं और वो नालंदा खंडहर का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर रखे गए अवशेषों का जायज़ा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो गाइड हैं बिहार सरकार के, वो राज्यपाल फागू चौहान को पूरे नालंदा खंडहर की सैर करा रहे हैं। इस दौरान फागू चौहान तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आए। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नालंदा पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर से सीधे विश्व शांति स्तूप स्थित हेलीपैड पर उतरे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। हेलीकॉप्टर से राजगीर के हॉकी मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से वेणुवन का जायज़ा लेने के लिए वो पहुँचे। वहाँ उन्होंने पावापुरी जल मंदिर में जा कर के भी वहां का दर्शन किया। इसके साथ ही साथ पावापुरी जल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राज्यपाल ने नालंदा खंडर और ह्वेंगसांग मेमोरियल का भी परिभ्रमण किया। इसके बाद वो सीधे राजगीर परिसदन पहुंचे। राज्यपाल फागू चौहान के अचानक नालंदा आगमन के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी देखने को मिली। हॉकी मैदान, हेलीपैड से लेकर पावापुरी और नालंदा खंडहर तक सुरक्षा काफ़ी टाइट थी। नालंदा से राजगीर मार्ग के चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती सुबह से ही कर दी गई थी। तो राज्यपाल फागू चौहान नालंदा पहुंचे हैं अपने एक दिवसीय दौरे पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो नालंदा में खंडहर का जायज़ा ले रहे हैं। इस दौरान नालंदा में मौसम भी काफ़ी सुहाना रहा, जिससे राज्यपाल फागू चौहान ने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी ली, यहां के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल किया और इसके बाद ह्वेंगसांग मेमोरियल हॉल को देखने के बाद पावापुरी जल मंदिर पहुंचे और फिर उसके बाद राज्यपाल नालंदा के डीएम और एसपी के साथ रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल फागू चौहान बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद पहले देवघर गए थे, वहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। सावन के महीने में वो देवघर पहुँचे थे और उसके बाद अब फागू चौहान बिहार के नालंदा जिले पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने राजगीर में जा कर के नालंदा खंडहर का दर्शन किया और उसके बाद भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही साथ पावापुरी जा कर के जल मंदिर का भी दर्शन उन्होंने किया और वहाँ पर भी पूजा अर्चना की है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।